जो क्वेश्चंस में हम हिंट से काम चला पाएंगे हिंट से काम चला लेंगे और जिस क्वेश्चन में हमें लिख के करना होगा उसे हम लिख के कर लेंगे ध्यान से देखना इसके क्वेश्चन नंबर वन में देखो हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है सबसे पहले उस डिटर्मिनेंट का नाम रख लो डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी हमें शो करना है कि डिटर्मनेंट किसके इक्वल है जीरो के इक्वल तो हमने इस डिटर्मिनेंट का नाम रख दिया डेल्टा अच्छा ध्यान से देखो छोटी सी चीज देखना हमें क्या पता है कि अगर किसी भी डिटर्मनेंट के ध्यान से देखना यहां पे देख लो छोटी सी चीज जब कभी भी हमसे वो बोलता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी तो मैं जोर किस किस चीजों पर दूंगा मैं जोर दूंगा बच्चों कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के ऑल एलिमेंट्स क्या आ जाए जीरो ऑल एलिमेंट्स क्या आ जाए जीरो आ गए तो यानी कि मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आइडेंटिकल पे, पे अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल आ गई तब भी मैं मतलब समझ जाऊंगा कि वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो ध्यान से देखना अगर मैं इसमें सभी एलिमेंट्स को जीरो बनाने की कोशिश करूं तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा हालांकि बना तो मैं फिर भी पाऊंगा पर अगर मैं इसमें दो रोज आइडेंटिकल की कोशिश करूं तो एक ऑपरेशन लगाते ही दो रो आइडेंटिकल बन जाएंगे चेक करो इसके एलिमेंट क्या बी जेड प्लस सी अगर मैं इन दोनों को एड कर दू किस किस को अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ सीवन चेंजेस टू सीवन प्लस सी टू सीवन चेंजिस टू सी वन प्लस सी टू तो क्या मिलता है मुझे एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी एबीसीज इट इज एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी अच्छा क्लियरली देख सकता हूं मैं अब इस डिटर्मिनेंट में कि इस डिटर्मिनेंट में मेरी इसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो हो गई क्यों दैट इज सी वन एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल सी वन और सी थ्री क्या है आइडेंटिकल है c1 और c3 क्या है आइडेंटिकल है बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सेम दिख रहे हैं z plus a y plus b z plus c यहाँ भी यही है सो so इसका मतलब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो गई जीरो क्वेश्चन समझ में आ गया तो बोल दो बच्चों बच्चों एक क्वेश्चन क्लियर है तो बोल दो आप लोगों को फटाफट इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो बता दो ले लिया सर चलो आगे बढ़ते हैं इसका अगला पार्ट देखते हैं यार मेरे दिक्कत आ रही चलो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से देखना इसका कौन सा क्वेश्चन देखते हैं सेकंड सेकंड क्वेश्चन में क्या करो सबसे पहले इसको डेल्टा मान लो डिटर्मिनेंट को तो डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ये तो पहले भी कर रखा है, तो है तो इसके सिर्फ हिंट दे दूंगा इसके सिर्फ हिंट दे दूंगा तो ये क्वेश्चन हमसे हो जाएगा हमें शो करना है कि इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल है अच्छा ध्यान से देखो अगर मैं सारे रोज को ऐड कर दून आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री लगाऊ तो देखना बी से बी कैंसिल हो जाएगा सी से सी कैंसिल हो जाएगा ए से ऐसे यहां भी बी से बी सी से सी और ए से और यहां से भी सारे तो अगर मैं ऑपरेशन लगा दू कौन सा आर वन चेंजिस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तो मुझे क्या मिलने वाला है जीरो जीरो नीचे वाले वही रहेंगे जो ऊपर है तो ये लिख लेना आप नीचे वाले चलो लिख देते हैं बी माइनस सी सी माइनस ए ए माइनस बी सी माइनस ए ए माइनस बी बी माइनस सी तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई जीरो क्यों क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल R1 ऑफ आर वन आर जीरो सभी एलिमेंट्स क्या है आर वन के जीरो तो ये क्वेश्चन क्लियर है तो बच्चों फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सर स्क्रीन ना सर स्क्रीन, सर, स्क्रीन टेल्टो रखी है दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी से किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा सर मुझे तो दिखाई दे रहा है मुझे भी सर। सर।, भी सर, सर, सर सर बिल्कुल क्लियर है मुझे स्क्रीन दिख रही एक, अब ध्यान से देखना बात करते हैं किसकी थर्ड क्वेश्चन की देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो क्या करना होता था हम उसको डेल्टा बोल देते थे सो टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन अच्छा ये नंबर्स वाला आ गया ये कौन सा आ गया नंबर वाला तो बच्चों नंबर वाले में ना एक छोटी सी ट्रिक है ध्यान से देखना हमेशा ना कोशिश करा करो जो बड़े वाले मतलब ऐसे कॉलम या फिर ऐसे रो को पकड़ने की कोशिश करा करो जिसमें बड़े बड़े एलिमेंट्स दे रखे हैं जैसे देखो इसमें क्या दे रखा है टू थ्री फाइव इसमें सेवन एट नाइन और इसमें क्या दे रखा है सिक्सटी फाइव सेवेंटी फाइव एटी सिक्स तो यानी कि मैंने इसको पिक कर लिया मैंने सी थ्री को पिक कर लिया क्यों क्योंकि इसके सब सारे एलिमेंट्स क्या है बड़े बड़े दे रखे हैं अच्छा अब कोशिश करो टू और सेवन को गौर से देखो इन दोनों एलिमेंट्स को गौर से देखने पर इसके पास पहुंचने की कोशिश करो ध्यान से देखो अगर मैं 7, 8, को देखता हूं तो सेवन और 65 में रिलेशन देखो ध्यान से सबसे करीब पहुंचना चाहूं 65 के तो कहां तक पहुंच सकता हूं सेवन की मदद से सिक्सटी थ्री तक भाई अगर सेवन की मदद लू और सेवन इंटू नाइन कर दू तो सिक्सटी थ्री आ जाएगा यानी कि सिक्सटी फाइव के बहुत पास पहुंच जाऊंगा अच्छा एक काम करना जो नाइन यहां लिया है वही नीचे वाले से भी चेक करके देखना क्या नीचे वाला भी आपको पास पहुंचा पा रहा है एट नाइन या सेवनटी टू ध्यान से देखो वो भी इसके करीब ले जा रहा है और ऐसे ही नाइन को नाइन से इंटू करूंगा तो कितना आएगा यानी कि वो भी उसके बहुत पास ले जा रहा है अच्छा बहुत पास के साथ साथ एक छोटी सी चीज नोटिस करना कि अगर सिक्सटी थ्री में टू जोड़ दू तो मुझे यही मिल रहा है सेवनटी टू में थ्री जोड़ दू तो मुझे यही मिल रहा है और एट्टी वन में फाइव जोड़ दू तो मुझे यही मिल रहा है इसका मतलब मैं इन दोनों की मदद से यहां तक पहुंच सकता हूँ तो अगर मैं एक ऑपरेशन ध्यान से देखना लगास नाइन टाइम सी टू लगाता हूं तो मुझे क्या मिलता है डेल्टा इक्वल्स टू थ्री फाइव ये तो एज इट इज सेवन एट नाइन ये भी एज इट इज सी थ्री में चेंज हो रहा है क्या सी थ्री चेंजेस टू सी थ्री माइनस नाइन सी टू यानी कि सिक्सटी फाइव माइनस सिक्सटी थ्री कितना टू 75 फाइव माइनस सेवेंटी कितना थ्री और ये कितना फाइव चेक करो दोनों एल इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी जीरो क्यों दट इज C1 वन एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल क्योंकि C1 और C3 थ्री क्या है आइडेंटिकल है यहां तक बात समझ आ रही है तो बोल दो बच्चों क्लियर है ये yes, सर चलो तो अगर ये क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं डन चलो अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है देखो क्वेश्चन को ना अगर आप यहीं से ध्यान से देखोगे ना तो दिख जाएगा आपको देखो वन 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 दे रखा है यहां पर ए ब्रैकेट खोलोगे तो क्या मिलेगा ए बी प्लस ए सी ध्यान से देखना फोर्थ इनमें जितने भी अभी तक करे उसमें से बढ़िया है फोर्थ क्वेश्चन सबसे पहले तो क्या करते थे हम इसको डेल्टा बोल देते थे ए -सी -सी हाँ बेटा बोलो वंश कुछ कह रहे हो वंश कुछ पूछना बेटा नहीं सर एकदम से ब्लैक होगी थी। ठीक है बेटा अच्छा ये किसके इक्वल शो करना है मैं जीरो के नहीं। अच्छा ध्यान से देखो अगर मैं इसमें ब्रैकेट सोल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा वन 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 बीसी सी ए बी अच्छा ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा ए बी प्लस ए सी ऐसे ये क्या मिलेगा बी सी प्लस सी ऐसे ये क्या मिलेगा सी ए प्लस ए बी ध्यान से देखना अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं इन दोनों को ऐड कर दूं किसको C3 थ्री चेंजेस टू सी थ्री प्लस सी टू कर दूं C3 थ्री प्लस सी टू करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा ध्यान से देखना अगर मैं C3 थ्री प्लस सी टू करता हूं तो मुझे मिलेगा वन 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 बीसी बी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी चेक करना ऐसे नीचे भी क्या मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस यहां पर गड़बड़ हो गई बच्चों यहां पर देखना जब बी से ब्रैकेट खोलूंगा तो BC प्लस ए आएगा ये ए होगा ध्यान से देखना ये क्या होगा ए होगा और ये क्या होगा CB ये क्या होगा सी बी चलो तो जब आप ऐड करोगे तो क्या जाएगा ए बी प्लस बीसी प्लस सी ए ऐसे यहां भी क्या होगा ए बी प्लस बीसी प्लस सी ए अब ए बी प्लस बीसी प्लस सी ए तीनों में कॉमन दिख रहा है तो क्या ले सकते हो टेकिंग कॉमन टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम सी थ्री C3 से कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा ध्यान से देखना डेल्टा इक्वल्स ए प्लस ए बी प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया है तो बाहर जाएगा प्रॉपर्टी कहती थी डिटर्मिनेंट की अच्छा यहाँ 1 1 1, यहाँ बी सी सी और यहाँ क्या मिल जाएगा 1 1 1। अच्छा अब अगर मैं इस डिटर्मिनेंट में देखूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं ए बी प्लस मल्टीप्लाई बाय जीरो दैट इज C1 एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल क्योंकि C1 और सी थ्री क्या है आइडेंटिकल है सो डिटर्मिनेंट डेल्टा इज़ इक्वल टू कितना आ गया जीरो क्लियर है तो बोल दो बच्चों अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट डन यस सर चलो तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट इसका बहुत ही प्यारा पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट तो बहुत ही अच्छा है फिफ्थ पार्ट देखना ध्यान से सबसे पहले इसमें वो ब्रेक ब्रेक वाली है. वाली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी याद याद है है कि हम अगर दो डिटर्मिनेंट प्लस की फॉर्म में दिख रहे होते थे कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको प्रॉपर्टी याद करो बच्चों एक प्रॉपर्टी बता रखी है कौन सी प्रॉपर्टी थी उसका प्रॉपर्टी का नाम था ध्यान से देखना प्रॉपर्टी नंबर फाइव होती थी पेज वन पे दे रखी है पेज वन पे दे रखी है प्रॉपर्टी नंबर फाइव एक सेकंड दिखा देते हैं आपको पेज वन वन फाइव पे दे रखी होगी प्रॉपर्टी नंबर ये प्रॉपर्टी है कहता है फॉर सम एलिमेंट्स ऑफ अ रो

q plus r, r plus p, p plus q, y plus z, z plus x, x plus y. ध्यान से देखना मुझे शो करना है कि इसके इक्वल है वो भी बिना एक्सपेंड के छोटी सी चीज देखना क्या इसमें एज अ सम दिख रहे हैं मुझे हाँ इसके तो सारे एलिमेंट्स एज अ सम दिख रहे हैं सो मैं चाहूं तो इसे ऐसे लिख सकता हूं बी सी ए बी सी ए क्यू आर पी चेक करना क्यू आर पी वाई जेड एक्स प्लस डिटर्मिनेंट सी ए बी आर पी क्यू जेड एक्स वाई अच्छा प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है हमने दैट इज चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो यूजिंग प्रॉपर्टी फाइव कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर फाइव पर एग्जाम में तो याद होगी नहीं कौन सी प्रॉपर्टी थी ये तो आप लिख सकते हो अ डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस टू डिटर्मिनेंट वेन एनी रो और इज एज एज सम सम ऑफ ऑफ टू 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 और मोर टर्म्स सो वी कैन एक्सप्रेस कोंट ठीक है अभी के लिए यूजिंग प्रॉपर्टी फाइव लिख लेते हैं अच्छा ध्यान से देखना एक छोटी सी प्रॉपर्टी हुआ करती थी एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती थी हमारी कौन सी छोटी सी प्रॉपर्टी होती थी यहां देखना छोटी सी प्रॉपर्टी होती थी हमारी कि अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट को कि कोई भी दो रोज चेंज करता था क्या चेंज करता था कोई भी दो रोज या कॉलम चेंज करता था तो डिटर्मिनेंट पे नेगेटिवली इफेक्ट करता था वो क्या करता था नेगेटिवली चेंज हो जाता था कब व्हेन टू रोज और कॉलम्स आर चेंज डिटर्मिनेंट में जब डिटर्मिनेंट में हम कोई भी दो रो या फिर कॉलम को चेंज कर देते थे तो वो नेगेटिवली चेंज होता था तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं ध्यान से देखना अब ये बीसीए दिख रहा है मुझे अच्छा ध्यान से देखो ये दिख रहा है मुझे बीसीए और ये दिख रहा है क्यू आर पी या वाई जेड एक्स ठीक है सी ए बी आरपी क्यू और मुझे शो क्या करना है एक बार देख लो चेक कर लो शो क्या करना है एबीसी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड ध्यान से देखना मैं चाहता हूं ए सबसे ऊपर चले जाए ध्यान से देखना मैं चाहता हूं ए सबसे ऊपर चले जाए तो सबसे पहले क्या करो इस डिटर्मिनेंट में दो डिटर्मिनेंट दे रखे हैं मुझे ध्यान से देखना तो मैं इसमें अगर ऑपरेशन लगाता हूं आर वन आर वन इंटरचेंजेस टू आर थ्री अगर मैं आर वन को इंटरचेंज करता हूं आर थ्री से ध्यान से देखना क्या होगा ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड एज इट इज कोई चेंज डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिवली चेंज हो जाएगी ध्यान से देखना अच्छा इस वाले में इस वाले में क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं इस वाले डिटर्मिनेंट में ध्यान से देखना इसमें मैं करूंगा आर वन इंटरचेंजेस टू आर टू आर वन को इंटरचेंज करूंगा आर टू से तो यहां देखना क्या बनेगा माइनस वन डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिवली चेंज अगर हमने कोई भी रोज चेंज करें तो एपीएक्स सी आर जेड बी क्यू वाई एज इट इज अच्छा आप देखो अभी मैंने क्या करा अपने जो भी मुझे प्रूव करना है उसकी पहली वाली तैयार कर ली क्या तैयार कर ली एपीएक्स तैयार हो गया आप ध्यान से देखना अब मैं क्या चाहता हूँ बीक्यूवाई तैयार हो जाए देखो यहां भी एपीएक्स है यहाँ भी एपीएक्स है अब मैं चाहता हूँ बीक्यूवाई तैयार हो जाए तो एक ऑपरेशन लगाता हूं कौन सा आर टू इंटरचेंजेस टू आर थ्री और इसमें भी क्या लगाता हूं आर टू इंटरचेंजेस टू आर थ्री जब ये ऑपरेशन लगाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा ध्यान से देखना माइनस वन इंटू माइनस वन क्यों क्योंकि दोबारा से चेंज कर रहा हूं मैं आर टू और आर थ्री को तो एपीएक्स B Q Y सी आर जेड ऐसे यहां क्या बन जाएगा माइनस वन इंटू माइनस वन एपी एक्स बीक्यू वाई और सी आर जेड ध्यान से देखना माइनस इंटू माइनस इज प्लस अब अगर मैं दोनों डिटोमिनेंट को ऐड करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं मैं इसे टू टाइम्स A P X बी क्यू वाई सी आर जेड यही मुझे शो करना था यही मुझे शो करना था क्लियर है बच्चों क्लियर है क्वेश्चन यस yes, सर चलो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट अच्छा क्वेश्चन है ये ध्यान से देखना तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसको मैं एक ही स्क्रीन पे पहले वो कर देता हूं आपके लिए ये लो ठीक है अब दिख रहा होगा पूरा होल एक स्क्रीन उसमें आ जाएगा डन यस yes, चलो अब बात करते हैं किसकी अच्छा ध्यान से देखना ये जो मैंने आपके लिए चीज लिखी है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी कि जब भी मुझे शो करना होगा किसी भी डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपैंड करे जीरो तो मेरी ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट है या तो ऑल एलिमेंट जीरो करने की कोशिश करूंगा या फिर कोई भी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करूंगा तो ये तो थे आपके शुरू के पांच क्वेश्चन अच्छा इसका सिक्स और सेवंथ क्वेश्चन भी देख लो क्योंकि सिक्स और सेवंथ में भी क्या करना है यही रूल है अप्लाई करना है विदाउट एक्सपेंडिंग हमें शो करना है चलो सो सिक्स और सेवन्थ की बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर सिक्स बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखना जब भी मैं टेस्ट लूंगा जरूर डालूंगा और ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है इसमें अगर आप डायरेक्टली ट्राई करोगे तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है तो इसको आप एक बार को बहुत अच्छे से समझना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है ये काफी ध्यान से देखना पहले मैं आपसे कुछ छोटी सी बातें डिस्कस करना चाहता हूं बच्चों ध्यान से देखना मैंने आपको एक छोटी सी चीज बता रखी थी क्या बता रखी थी कि चाहे आप डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लो या फिर आप डिटर्मिनेंट ए के ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लो ए की बात होती थी ध्यान से समझना मैंने कहा कि चाहे आप डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लो या फिर आप डिटर्मिनेंट ए के ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लो बात एक ही रहती थी याद है इस बात को याद रखना इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी इसकी ध्यान से देखते हैं चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं सबसे पहले क्या करा इस डिटर्मिनेंट को मान लिया डेल्टा जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो ध्यान से देखना ध्यान से देखना एक काम करो इसको फर्स्ट बोल दो इसको फर्स्ट बोल दो अच्छा अगर मैं इसके ट्रांसपोज की बात करूं अगर मैं इसके ट्रांसपोज की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो ध्यान से देखना इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा ये आ जाएगा अच्छा एक छोटी सी बात बताओ डेल्टा और डेल्टा के ट्रांसपोज दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे ध्यान से देखना भाई किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू या उसके ट्रांसपोज की वैल्यू इक्वल होती है ये अभी भी बताया तो यानी कि इन दोनों की वैल्यूज क्या होंगी इक्वल ध्यान से देखना तो मैं चाहूं तो अगर मैं इन दोनों को एड करूं एडिंग वन एंड टू अगर दोनों को मैं एड करता हूं ध्यान से देखना जब मैं दोनों को एड करूंगा तो क्या आएगा डेल्टा प्लस डेल्टा ट्रांसपोज अच्छा मैं चाहूं तो डेल्टा ट्रांसपोज की जगह लिख सकता हूं टू डेल्टा ध्यान से देखो मैं चाहूं तो ये लिख सकता हूं भाई अगर मैं चाहूं तो डेल्टा प्लस इन दोनों को ऐड करने पर डेल्टा प्लस डेल्टा ट्रांसपोज आ रहा है अब ये दोनों बराबर हैं तो इसकी जगह सीधा डेल्टा लिख सकता हूं सो टू डेल्टा इस वाली लाइन की कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट लिख देना क्या हो जाएगा टू डेल्टा इक्वल्स ध्यान से देखना अब अगर मैं इन दोनों को एड करता हूं तो क्या होगा जीरो प्लस जीरो जीरो ध्यान से देखना जीरो प्लस जीरो जीरो ये एक काम करो लिख लो जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो प्लस इसकी वैल्यू देखो क्या है जीरो माइनस ए बी ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो अच्छा इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है ध्यान से देखना अगर मैं इन दोनों को एड करता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है जीरो प्लस जीरो इज जीरो a minus a is zero, c B plus इज B is, a a is zero, zero plus zero इज zero. यानी दिस zero. Zero zero zero. two डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई zero. बच्चों क्लियर है तो बोल दो क्लियर है क्वेश्चन तो बोल दो यस सर यस सर चलो तो आप लोग इसके बच्चों screenshot ले सकते हो काफी अच्छा तरीका था ये बच्चों काफी अच्छा तरीका था इसमें प्रॉपर्टी वगैरह लगाओगे ना अगर आप इसमें ऑपरेशंस लगाने की कोशिश कर दोगे इंटर इंटरचेंजेस टू तो बहुत मुश्किल से बनेगा ये ट्राई करके देख लेना एक बार इससे बहुत इजीली बन जाएगा ठीक है चलो डन बच्चों डन चलो अरे यार अब बात किसकी करनी है क्वेश्चन नंबर सेवन की क्या कहता है किसकी बात करनी है क्वेश्चन नंबर सेवन की क्वेश्चन नंबर सेवन देखो क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है हमें शो करना है इसकी वैल्यू इसके बराबर है ध्यान से देखो सबसे पहले हमने मान लिया वही अपना बेसिक पैटर्न माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर ध्यान से देखो ये तो बहुत ईजी है साफ साफ दिख रहा है मुझे कि ए आर वन में भी कॉमन है और सी वन में भी कॉमन है ध्यान से देखना बी आर टू में भी कॉमन है और सी टू में भी कॉमन है सी आर थ्री में भी कॉमन है और सी थ्री में भी कॉमन है ध्यान से देखो टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम आर वन आर टू एंड आर थ्री रेस्पेक्टिवली ध्यान से देखो सो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई ए बी सी कॉमन लेकर बाहर क्या बच गया चलो भी आर वन में सी कॉमन ले लो सो माइनस ए बी सी ए माइनस बी सी चेक करना ए बी माइनस सी अच्छा साफ साफ दिख रहा है साफ साफ दिख रहा है क्या कि मुझे अभी भी मैं चाहूं तो अभी भी ए बी और सी कॉमन ले सकता हूं ध्यान से देखना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या बचेगा माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन क्या करा टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम सी वन सी टू एंड सी थ्री रिस्पेक्टिवली ठीक है अच्छा ध्यान से देखना ध्यान से देखना अब मैं क्या चाहता हूं कि यहां पर फोर आ जाए सो so, इसका मतलब जब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा तो मुझे क्या मिल रहा होगा फोर इसको जब मैं एक्सपैंड कर रहा तो मुझे क्या मिल रहा होगा फोर तो ध्यान से देखो अगर मैं इसमें ऑपरेशन लगा दू कौन सा ऑपरेशन लगा दू आर वन चेंजेस टू आर वन प्लस आर थ्री अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूं आर वन चेंजेस टू आर वन प्लस आर थ्री तो क्या मिलता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज आर वन प्लस आर थ्री करूंगा तो क्या मिलेगा जीरो वन टू वन माइनस वन जीरो वन 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 वन, वन वन माइनस माइनस इट इट इज़. इज़. अच्छा अब सीधा आर वन के लोग एक्सपेंड कर देना क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस प्लस होता था माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस वन ध्यान से देखना कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस टू कितना फोर यानी कि क्या वैल्यू आ गई फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बच्चों क्लियर है yes. अच्छा दिख रहा है चलो अब ले लो स्क्रीनशॉट थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं ठीक है अब ले लो डन बच्चों डन सर चलो तो ये सिक्स और सेवन्थ क्वेश्चन की भी बात हो गई